मोदी सरकार राम भक्तों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। 1964 में समुद्री तूफान में बह गए धनुषकोडी रेल लाइन को मोदी सरकार ने फिर से बनाने का फैसला लिया है। ये रेल लाइन रामेश्वरम से धनुषकोडी तक 18 किलोमीटर तक फैली हुई थी, लेकिन 1964 के तूफान में ये लाइन बह गई थी। इस तूफान में एक ट्रेन भी बह गई थी और सैकड़ों लोग मारे गए थे। धनुषकोडी में ही राम सेतु का एक छोर है जो श्रीलंका तक फैला हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काशी और रामेश्वरम के बाद धनुषकोडी में डुबकी लगाने के बाद ही पवित्र स्नान पूरा होता है। यही नहीं, मोदी सरकार ने 104 साल पूरे कर चुके पंबन ब्रिज के समानांतर भी एक नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। ये पुल समंदर के ऊपर मंडपम से रामेश्वरम के बीच मौजूद है। मौजूदा पंबन ब्रिज 146 स्पैन का बना हुआ है और इसका 114वां स्पैन बड़े जहाजों को पार कराने के लिए पंख की तरह खुल जाता है। लेकिन 250 करोड़ रुपए से बन रहे पंबन ब्रिज को दुनिया की आधुनिकतम तकनीक से बनाया जाएगा। इसमें जहाजों को पार कराने के लिए पहली बार वर्टिकल लिफ्ट स्पैन लगा होगा। साथ ही इसमें भविष्य के लिए दो रेल लाइन और इलेक्ट्रिफिकेशन को ध्यान में रखा जाएगा। नए ब्रिज को पुराने ब्रिज से 3 मीटर ज्यादा ऊंचाई पर बनाया जाएगा ताकि हाई टाइड के समय इस पर पानी ना आ सके। इस ब्रिज पर स्टेनलेस स्टील की पटरियां भी बिछाई जाएंगी, जो भारत में पहली बार होगा। मौजूदा पंबन ब्रिज 24 फरवरी 1914 को शुरू हुआ था और अब ये 100 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, इसलिए इसकी जगह एक नया पुल भी बनाया जाएगा।